आप सभी को बताएंगे नेबुलाइजेशन कैसे दिया जाता है बच्चों को, तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं डॉक्टर मॉर्फिन नेबुलाइजेशन, जिसको हिंदी में भाप कहते हैं आम भाषा में। चलिए खोल का अनबॉक्सिंग करेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं क्या सब कैसे यूज किया जाता है, चलिए वीडियो बने रहिए। इसको खोलते हैं, सबसे पहले देखिए इसको खोलते हैं, ये भाप लगाने वाला है जिसे बच्चा कैसे लगा सकते हैं इस तरह से। इसको पहले इसमें एडजस्ट किया जाता है, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इसको घुमा घंटा लग गया, इस तरह से किसी बेबी के ऊपर में रहेगा, इस नोजी के ऊपर, ठीक ओके बनते से तार है, देख सकते तार में लाइन में लगता है ये डायरेक्ट बोर्ड में। उसके बाद ये इसमें दवाई देंगे, ये दवाई कौन चाहिए, सीपला सीपला डाइस का अनबॉक्सिंग करके दिखाते, इसमें दवाई होता है इसमें भाप लेने के लिए नेबुलाइजेशन। खोलते हैं, देख सकते हैं इसको खोल के, ये 100 रुपीज में मिलता है मेरे ख्याल से। इसको एक खोल के इसको खोल लें इस तरह से, खोलने के बाद इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के बाद इसमें दिया जाता है मेरे ख्याल से, इसमें देंगे, देखिए गिरे का अंदर, देख सकते इसमें जा रहा है इस डिब्बा को देखे। इनसे कुछ खराबी नहीं होता बच्चे को, ज़्यादा कफ होता है तो दिया जाता है भाप लगा दीजिएगा 2-3 दिन सुबह शाम, तो इसका कफ छूट जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से भाप निकलता दिखा सकते हैं, कुछ साल होने के बाद इस तरह से भाप निकलेगा, देख लीजिए बंद करते ही, देखिए बच्चा किस तरह से लगाया जाता है। जब भी लगाए बच्चे को भाप तो बैठा कर लगाए और आराम से इस तरह से घुसाइए, बच्चे थोड़ा छिटाएंगे जय जय राम, ताली मार ताली, देखो कितना मजा, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आराम से लगा, मजा आ रहा ना, हाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।